जिले में धर्म परिवर्तन कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बहरी गांव में गरीब बच्चों को बहला फुसलाकर विदेशी फंडिंग के जरिए मदरसे की आड़ में होता है धर्मांतरण। आपको बता दें, मदरसा संचालक नसीम खान अवैसी की पार्टी का सदस्य भी है। वहीं मदरसा संचालक ने मदरसे में पढ़ाई की जगह और तरह की गतिविधियों की बात स्वीकार की है। सर, मदरसा अख्तर जहां दारुल उलूम पहले किस नाम से चलता था, कौन सा विद्यालय यहां चलता था? मदरसा जब से चल रहा है तब से इसी नाम से चल रहा है, मदरसा अख्तर जहां दारुल उलूम। कोई और इसमें चलता था ऐसे पहले? कुछ नहीं, सूर्योदय ज्ञानपीठ पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति हमारी सोसाइटी है जी। पहले काम सोसाइटी पर होता था जी, उसके बाद सामाजिक सेवा के भावना से कुलसुम नसीम मैरिज सेंटर लोगों के साथ योजना कराना, इसे रिश्ता लगाना, रिश्ता संबंधी एक सवाब के सिलसिले। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सीधे मनाही कर दिया गया था कि किसी तरह के उत्सव मदरसा या उत्सव नहीं और शादी कराना यहाँ पर नहीं होता है जी। जैसे आपका रिश्ता कहीं लगाना हो, आप लड़की ढूंढ रहे हैं, आप लड़का ढूंढ रहे हैं, तो एक दूसरे को मिला करके आपके बीच रिश्ता करा देंगे। मैरिज हॉल भी है? मैरिज हॉल नहीं है, फिर बताया तो कि केवल रिश्ता लगाने वाली बात की, उनका नाम पता अपने जांच कर लीजिए, अपना नाम पता उनके जांच कर लीजिए और एक दूसरे से मिलकर मतलब सहयोग मदद कर सहयोग किया जाता है। और आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, मुस्लिम समुदाय से जुड़ा समाज सेवी सरफराज खान उर्फ मिंटू खान है जी। आपके यहाँ एक मदरसा चल रहा है जिसका नाम है मदरसा अख्तर जहाँ दारुल उलूम बहेरी बलिया। इस मदरसे में कैसी पढ़ाई होती है और क्या क्या होता है? इस मदरसे से पहले ये जो मदरसा अख्तर जहाँ दारुल उलूम है, ये पहले सूर्योदय पब्लिक स्कूल हुआ करता था, उस जगह दूसरे स्कूल के नाम पे ये लोग अपना स्कूल चलाते थे। जब लोग रसड़ा के था कहीं का, उसने आपत्ति किया तो ये लोग अपना नाम बदल के मदरसा अख्तर जहाँ दारुल उलूम बना लिया। लेकिन अब यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, आप कभी भी जाके जांच कर सकते हैं। वहाँ पे धर्मांतरण की प्रक्रिया होती है, जो इसका प्रबंधक है नसीम खान और उसके भाई जो हैं समीम खान, ये लोग MIM के सदस्य भी हैं। इस बार इसी जिला पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 51 से ये लोग चुनाव भी लड़े थे। वहाँ पर मदरसा के नाम पर आप कभी भी जाके चेक कर लेंगे, वहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं होती है। वहाँ पे जो गरीब बच्चे जो दलित बिरादरी से आते हैं, हिंदू बिरादरी से आते हैं, उनको नौकरी का लालच देकर, पैसे का लालच देकर सीधे सीधे धर्म बदलवा कर मुस्लिम बनाया जाता है। यहाँ विदेश से भी पैसे आते हैं क्या? जी बिल्कुल, इन लोगों का कोई यहाँ पे लीगल धंधा नहीं है। उतना पैसा ये धर्मांतरण कराएंगे तो कहाँ से लाएंगे? इनके खातों को जाँच किया जाए, इस इनके यहाँ 100% से विदेशी रुपया का फंडिंग होता है। UP 60 न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट।